अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मीठे की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टूटी फ्रूटी डिलाइट। ये बहुत ही मजे का मीठा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी। टूटी फ्रूटी डिलाइट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने लिया एक कॉकटेल का टिन, 2 कप क्रीम, कोई भी आप फ्रेश या पैकेट वाली यूज कर सकते हैं, 1/2 कप चीनी, 2 टेबलस्पून बटर और बिस्किट्स, आप कोई भी क्रंची या सिंपल बिस्किट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बटर और बिस्किट्स को अच्छी तरह से ब्लेंडर में ग्राइंड कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम क्रीम में चीनी ऐड करके उसे अच्छी तरह से बीट या विस्क कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। क्रीम को हमने अच्छी तरह से विस्क करना है ताकि ये थिक फॉर्म में आ जाए। अगर आप बीटर से बीट करेंगे तो इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। कुछ इस तरह से आपकी क्रीम थिक होनी चाहिए। क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने लिया एक बर्तन जिसमें मैंने बिस्किट्स ऐड कर दिए हैं, तो अच्छी तरह से फैला देना है। बिस्किट्स को अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून जूस ऐड करेंगे। उसके बाद हम स्पैचुला की मदद से बिस्किट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रूट्स और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको डिश में डाल देंगे। डिश में डालने के बाद हम स्पैचुला की मदद से इसको उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स और चेरीज ऐड करेंगे आपको पिंक पे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आप इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दें और खाने के बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।